महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में अत्यंत सुस्त मतदान थई रह्युं छे। जी हाँ, सवारना जे 2 कलाक थयामां 6.61% ज मतदान थयुं छे। मात्र गढ़ चिरोली जे नक्सली बेल्ट कहेवाय छे, विस्तार कहेवाय छे, त्यां जे ग्रामीण विस्तार जे छे 12.33% मतदान थयुं छे। एक पण जिल्लामां 10% वधु मतदान नथी थयुं। मुंबई शहेरमां पण 6.25% ज मतदान थयुं छे। सवारे 2 कलाकमां ओछा मतदानथी हवे आ तमाम जे पक्षोनी छे ए चिंता वधारी रह्यो छे। कार्यकर्ताओने वधुमां वधु मतदान करवानी सूचना आपवामां आवी छे। आप जोई रह्या छो महाराष्ट्रमां नीरस मतदान शरूआतना जे तबक्का जे थया छे, आप जोई रह्या छो तमाम सेलिब्रिटी हालांकि सवारे वहेला ज मतदान करी दीधुं छे। आप जोई रह्या छो राज ठाकरे, सुभाष घाईने आप जोई रह्या छो। मुंबई मतलब के सेलिब्रिटी सुभाष घाई, तमाम जे सेलिब्रिटीज एमने मतदान कर्युं छे। मुंबईनी अंदर आ वखते खास सेलिब्रिटीमां हालांकि ये वहला जमने वोटिंग करूँ छे, उत्साह छे। तो आप जोई रहा छो एक पची सेलिब्रिटी फरहान अख्तर ने आप जोई रहा छो। महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व ही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करें और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करें। महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ़ ना हो, आइए ज़रूर वोट कीजिए। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है, बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। वो है एजुकेशन, एजुकेशन महाराष्ट्र के हर गांव में, हर टाउन में, हर शहर में एजुकेशन का स्तर ऊपर बढ़ाया जाए और हर बच्चे को एजुकेशन मिले, यही मेरा कंसर्न। सह परिवार और हमारे सारे ग्रामस्थ और आज दिन भर हम पोलिंग स्टेशन पर मैं विजिट करूंगा, मतदाताओं से मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, नेताओं से मिलूंगा और दिन भर वोटिंग कैसे हो रहा है इसका ब्यौरा हम लेंगे। लातूर शहर, जिला मराठवाड़ा, महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री का चयन तो पार्टी के शीर्ष नेता करते हैं। मुझे लगता है कि जो विधायक आते हैं उनमें चर्चा होती है, पार्टी के शीर्ष नेता इस पर निर्णय लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनना ये पहले हमारी प्राथमिकता है। अब किसकी कितनी सीटें आती हैं तो नतीजा आने के बाद ही उस पर टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, उसमें किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन हम एक विचार के साथ इकट्ठा हुए तो महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। अब किस पार्टी का होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। महाराष्ट्र में 288 बैठकों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू थी गई है। खास कर आप सीधा दृश्य जोई सको छो, अहीं वेली सवारथी ज मतदाताओं छे तेमां उत्साहनुं वातावरण जोवा मळी रह्युं छे। वेली सवारथी ज युवा वर्ग छे तेमनी साथे ज वृद्धो छे तेओ मतदान करवा माटे अहीं आवी पहोंच्या छे। आप जोई सको छो सेंट मेरी माउंट जे स्कूल छे ते स्कूल खाते अहीं सलमान खान अने शाहरुख खान टूंक समयमां जे मतदान छे ते मतदान करवा माटे आवी पहोंचे, जो कि ते पहेला आप जोई सको छो
છો. પોલીસ નો ચાપતો બંદોબસ્ત અહીં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ પ્રકારની અઘટિત ઘટના ન બને તે માટે પૂરતી તકેદારી અહીં રાખવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને યુવા વર્ગના ચહેરા પર એક અનેરો જે ઉત્સાહ છે તે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો 9.70 કરોડ જેટલા જે મતદાતાઓ છે તે આજે પોતાનો કિંમતી જે વોટ છે તે વોટ આપશે. આ સાથોસાથ વાત કરીએ તો 1,186 જેટલા મતદાન મથકો જે છે તે ઉભા કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેમાં પણ ખાસ કરીને સંવેદનશીલ અને અતિ સંવેદનશીલ જે બૂથ છે તે બૂથ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. જી સર, સુબહ સુબહ મતદાન કે લીએ આપ આયો, ક્યા મેસેજ દેના ચાહોગે લોગો કો મતદાન કે લીએ? મતદાન કે લીએ એવરીબડી શુડ કમ એન્ડ વોટ, ઓન્લી ધેન વી ગેટ ધ ગવર્નમેન્ટ વી ડિઝર્વ. સર, કોણ સે મુદ્દે કો ધ્યાન મે રખ કે વોટિંગ કી? બેસિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. જી, આપે જે રીતે જોયું તે રીતે ફોર સિનિયર સિટીઝન્સ ટુ વોક ઓન બેટર ફૂટપાથ્સ બેટર રોડ્સ. જી, આપે જે રીતે જોયું તે રીતે જે બેટર જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે તે ઊભો કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ અહીં કરવામાં આવી છે. આપ જોઈ શકો છો હાલમાં એક પછી એક તમામ જે મતદાતાઓ છે તે પોતાનો કિંમતી વોટ લાખવા માટે અહીં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો જાણીતા જે તમામ જે અભિનેતાઓ છે તે અહીં જ પોતાનો જે કિંમતી વોટ જે છે તે લાખવા માટે આવતા હોય છે. અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત જે છે તે અહીં ઉતારી દેવામાં આવ્યો છે. આ સાથોસાથ વાત કરીએ તો અહીં ખાસ કરીને સલમાન અને શાહરૂખ ખાન જ્યારે આવનાર છે ત્યારે પોલીસ બંદોબસ્ત જે છે તે વધારી દેવામાં આવ્યો છે. આપ જોઈ શકો છો ઉચ્ચ અધિકારી સહિતનો જે કાફલો છે તે મેઇન મુખ્ય જે ગેટ છે તે ગેટ ખાતે અહીં તૈનાત થઈ ગયો છે. સાંજના 6 વાગ્યા સુધીમાં તમામ જે મતદાન જે છે તે મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે અને તમામ જે ઉમેદવારો છે તેનું ભાવિ ઈવીએમ મશીનમાં સીલ થઈ જશે. કેમેરામેન વિજય ભેસાણી સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, મુંબઈ.